नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के लिए मोस्ट वन लाइनर सीरीज में ये टॉपिक नंबर 14 है, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों यूरोपियन यूनियन यानी ईयू और आसियान नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ। तो ये वीडियो नोट लास्ट तक देखना है, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईयू कह सकते हैं। अब ये यूरोपियन यूनियन है क्या? ये दरअसल में एक दोस्तों राजनीतिक व आर्थिक मंच है जो आपस में साझेदारी करके रहते हैं। यूरोपियन संघ के 28 देशों का ये एक समूह है, ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, और इसके कुछ देश यानी 19 देशों के एक संगठन ने इसकी मुद्रा यूरो को मान्यता दे रखी है, ठीक है। एक साझी मुद्रा को इन्होंने मान्यता दे रखी है। अब यूरोपियन यूनियन से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न एक एक करते हुए देखते चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन है एक राजनीतिक व आर्थिक मंच। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन एक क्या है, राजनीतिक व आर्थिक मंच है। इससे संबंधित देश आपस में साझेदारी करते रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में साझेदारी है। यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 28 है। कितनी है दोस्तों? 28 है। ईयू का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है ईयू का, यानी यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। ईयू की मुद्रा यूरो कितने देशों में? 19 देशों में इस साझी मुद्रा को अपना लिया गया है, यूरो को, ठीक है। मतलब यूरोपियन यूनियन के 28 देशों में से 19 देशों ने इस साझी मुद्रा को अपना लिया है, जिसे जो कि क्या है, यूरो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईयू की स्थापना कब हुई? तो 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इससे संबंधित थोड़ी सी बात हम यहाँ पे कर लें कि यूरोपियन यूनियन की जो शुरुआत हुई थी वो तो रोम की संधि 1957 से ही हो गई थी, ठीक है। 1957 में रोम की संधि से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हो गई थी। मतलब एक तरीके से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वहाँ पर स्थापना हो गई थी। उसके बाद में इसे जब असली रूप यानी असली जब ये अपने रूप में आया, ये कह सकते हैं आधुनिक रूप में आया, तो वो थी मास्ट्रिक्ट संधि 1993 में। उसमें ये यूरोपीय संघ बना, यानी इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। देखिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न ऐसे कि ऐसे पूछा जा सकता है, पिग्स देशों से संबंधित कौन से देश है? तो देखिए, पी से पुर्तगाल, आई से इटली, जी से ग्रीस और एस से स्पेन, ये पिग्स देशों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 7, ईयू की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? तो 24 है। ये आंकड़े मैंने विकिपीडिया से लिए हैं, ठीक है। ईयू की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 24। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं कौन? डोनाल्ड टस्क 2014 से। और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है? जीन क्लाउड जंकर, ये भी 2014 से ही हैं। ये देखिए, ये ईयू की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय संसद है, यूरोपियन परिषद है, यूरोपीय मंत्री परिषद है, यूरोपीय न्यायालय है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक है। तो ये यूरोपीय यूनियन की कुछ क्या बोलते हैं उनको, संस्थाएं हैं। तो उन संस्थाओं में अलग अलग प्रेसिडेंट है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड टस्क, और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है जीन क्लाउड जंकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईयू की आधुनिक नींव रखी गई थी कब? मास्ट्रिक्ट की संधि 1993 से। मास्ट्रिक्ट संधि में इसकी आधुनिकता, मतलब यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आ गया था मास्ट्रिक्ट की संधि में। ये संधि 7 फरवरी 1992 की है, लेकिन ये लागू कब हुई? 1993 से। तो इसलिए हम इसे 1993 ही लेकर चलते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? समान मुद्रा और यूरोप में यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना करी थी, उसके ऊपर सहमति बनी थी। यहीं पर हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का आधुनिक स्वरूप सामने आया था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 11, यूरोपीय संघ से पृथक कौन हो रहा है? तो भाई, इंग्लैंड पृथक हो रहा है। किसके माध्यम से? ब्रेग्जिट के माध्यम से। ये ब्रेग्जिट पिछले काफ़ी एक दो सालों से काफ़ी चर्चित विषय है। ये है क्या? तो देखिए, यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड का अलग होना ही ब्रेग्जिट है। क्या है? ब्रेग्जिट है। 2016 से इंग्लैंड की जनता ने जनमत संग्रह के माध्यम से इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन से अलग होने का अपना आदेश दिया है, जनादेश दिया है।
ठीक है। तो यही क्या है, ये ब्रेक्जिट शब्द इंग्लैंड के यूरोपियन यूनियन से अलग होने को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रथम भारतीय ईयू बैठक, मतलब भारत के बीच में यूरोपियन यूनियन के बीच में पहली बैठक कब हुई थी, तो सन 2000 के अंदर पुर्तगाल में पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ईयू और भारत के बीच में, मतलब पुर्तगाल से जो ये बैठक शुरू हुई वहाँ से भारत यूरोपियन, एक तरीके से हम कह सकते हैं, संबंधों की एक बैठक के रूप में, औपचारिक रूप में शुरुआत हो गई। नेक्स्ट देखिए 13वां, यूरोपियन सेंट्रल बैंक स्थित कहाँ पर है, तो फ्रैंकफर्ट में स्थित है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहाँ पर स्थित है, फ्रैंकफर्ट में स्थित है। यूरोपियन न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो लग्जमबर्ग में स्थित है। ठीक है, यूरोपियन न्यायालय मतलब यूरोपियन यूनियन की जितनी भी वो संधियाँ करते हैं, बैठकें करते हैं, बातचीत करते हैं, यदि उनमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए न्यायालय की स्थापना भी ईयू की संस्था ही है, यूरोपियन न्यायालय, जो कि लग्जमबर्ग में स्थापित है। वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट में स्थापित है, जो कि ईयू की जो जितनी भी फाइनेंशियली जो गतिविधियां होती हैं उनका नियंत्रण, लेखा परीक्षण करती है, और ये कहाँ पर स्थित है, फ्रैंकफर्ट में। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ब्रेग्जिट शब्द जो है ईयू से इंग्लैंड के अलग होने को कहते हैं, या ये शब्द इसी मामले में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक है आसियान। ठीक है, ईयू के बारे में हमने बातचीत कर ली, आसियान, आसियान की पहली बात तो पूरी फॉर्म पूछी जा सकती है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसकी आसियान की स्थापना कब हुई, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को 1967 में हुई थी। 8 अगस्त 1967 को स्थापना के समय आसियान के सदस्य देश कितने थे, तो 5 थे, जिनमें कौन कौन से देश थे, तो दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, ये मलेशिया है, ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 देश थे जो कि आसियान की स्थापना के समय इसके सदस्य थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आसियान के वर्तमान देश कितने हैं, तो वर्तमान देश इसके हो गए हैं 10। कितने हो गए हैं, 10, 5 तो इसकी स्थापना के समय वाले और 5 इसमें बाद में जुड़ते चले गए, जिनमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, ये देश 5 और हो जाते हैं, अब कुल देश हो जाते हैं 10, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो कुल मिलाकर आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत आसियान का सदस्य है या नहीं है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, इसके आसियान के सदस्य देश कितने हैं, 10 हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर आसियान का मुख्यालय स्थित है, इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ARF से क्या समझते हैं, तो आसियान रीजनल फॉर्म, ARF है आसियान रीजनल फॉर्म। देखिए, आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 10 देशों के अलावा और भी देश इसमें सदस्य हैं, जिसमें हम आपको ये बता दें कि भारत भी ARF का सदस्य है। तो भारत ARF का सदस्य है। ARF की स्थापना कब हुई, 1994 में, आसियान रीजनल फोरम। ठीक है, भारत सदस्य है किसका, ARF का, आसियान रीजनल फोरम का भारत सदस्य है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब भारत को ARF की सदस्यता कब मिली, तो 1996 में भारत को ARF की सदस्यता मिली। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9, भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई कब, 1991 में। देखिए, पूर्व की ओर देखो नीति ये जो अपनाई, ये आसियान देशों के साथ संबंधों से रिलेटेड है। इसमें देखिए 1991 में नरसिम्हा राव सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, यानी आसियान है, इसके साथ में संबंध बढ़ाने के लिए पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया, इसको, इसकी मतलब इस नीति को लागू की। भारत आसियान का पूर्ण सदस्य तो है नहीं, तो 1992 में क्या हुआ, आसियान के चौथे शिखर सम्मेलन में, जो कि सिंगापुर में हुआ था,
भारत को क्षेत्रीय वार्ता साझेदार यहाँ पर बना दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पूर्व की ओर देखो नीति नरसिम्हा राव से रिलेटेड है, 1991 में इसे अपनाई थी आसियान और भारत के संबंधों को लेकर। नेक्स्ट देखिए, एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय, ये वाक्य किसका है? तो ये आसियान का है। किसका है? आसियान का। जैसे ही आप आसियान की वेबसाइट खोलोगे तो वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय, इंग्लिश वर्जन में आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा आसियान की वेबसाइट पर। नेक्स्ट देखिए, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों 23 से 24 फरवरी 1976 को, 1976 को आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था आसियान का पहला शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 12, आसियान का 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में 11 से 15 नवंबर 2018 को हुआ। वहीं 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होने वाला है? 20 से 23 जून 2019 को थाईलैंड में आयोजित होने वाला है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आसियान के साथ एक्ट ईस्ट नीति या एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई आसियान के साथ में। तो नरेंद्र मोदी जी ने आसियान के साथ में नवंबर 2017 की शिखर बैठक में भाग लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर मोदी जी की पहली बार जो नवंबर 2014 में म्यांमार में हुए 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में और 9वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में जो इन्होंने भाग लिया था, वहाँ पर इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको इन्होंने यहाँ पर एक्ट, ये जो पूर्व की ओर देखो नीति थी या लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में यहाँ पर बदल दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आसियान के बारे में हमने ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं। साथ ही आसियान के जो उद्देश्य हैं वो ये हैं कि भाई पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना और कृषि एवं उद्योग से संबंधित क्षेत्रों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के अनुपूरक संबंध सुधारना, जो भी है इसमें ये इनके ये उद्देश्य हैं। ठीक है, तो एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय इनका आदर्श वाक्य कह लीजिए ये है, और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में हो जाता है और भारत के साथ में भी इसकी जो बैठकें हैं वो लगातार होती चली आ रही हैं। तो यूरोपियन यूनियन और आसियान से रिलेटेड ये हमने वीडियो नोट आपको दिया है, जो कि जितने भी महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से हमें लगे हमने आपको इस वीडियो नोट में दिए हैं। आप अपने रिसोर्सेज से जहाँ से भी अध्ययन कर रहे हैं करते रहें, जब तक परीक्षा हो तब तक आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बार बार एक चीज़ को पढ़ सके उसको पढ़ते रहें। कोशिश है आप तक अच्छे से अच्छा मैटर पहुंचाने की, शेयर सपोर्ट करते रहिए। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।